अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट बैंग्स कटिंग विथ हैक्स। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बैंग्स का हैक बताऊंगी और किस तरह से बनाना है, किस तरह से कॉम्बिंग और पॉनीटेल किस तरह से बनाना है, हैक्स के जरिए हमें अपने हेयर्स को बैंग्स में किस तरह कन्वर्ट करना है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन बट आप लोगों को फुल वॉच करना होगा। और जैसे कि सब लोग नहीं कट कर सकते, अगर कट कर लिया तो सोचते हैं कि कैसे पता नहीं हम पर सूट होगा या नहीं होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे। इसलिए मैं ये आप लोगों के लिए हैक लेकर आई हूँ। अगर जब भी हमारा दिल करे तो हम लोग उस हैक्स के ज़रिए अपने बैंग्स को बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो फुल वॉच करना होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हुए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें यहाँ पर पार्टिंग इस तरह से करनी है। ईयर के पीछे जो हमारे हेयर्स है उसको इस तरह से निकालना है, एंड ऐसे तरह से निकालेंगे। एंड यहाँ का भी अच्छे से हमें कॉम करते हुए पूरे हेयर्स को इस तरह से पकड़ लेना है। हाई पॉनीटेल डालना है फ्रेंड्स, ये होगी हमारी हाई पॉनीटेल। देखिए इस तरह से हाफ हेयर्स को लेकर हमें हाई पॉनीटेल करनी है। हेयर्स को लेकर हमें हाई पॉनीटेल करनी है और इस वाले हेयर्स को भी हमें पीछे कर देना है बैक साइड में। और इस तरह से हम लोग एक बड़े वाले इरेजर रबर की हेल्प से इस तरह से कटिंग करनी है। हाफ हेयर मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, देखिए यहाँ पर मेरे हाफ बाल है। एंड ये वाले बाल को सेंटर में लेकर बिल्कुल हाई पॉनीटेल करेंगे इस तरह से रबर बैंड की हेल्प से। बहुत ज़्यादा टाइटली भी नहीं करनी है, बस इस तरह से हम लोग हाई पॉनीटेल करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ये जो हमने पीछे बाल को हेयर्स को रुकाया था, छोड़ दिया था, उसको हम लोग इस तरह से कॉम करेंगे एंड छोटी बनाएंगे। बैक करते हुए इस तरह से इसकी, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं, ऐसे इसको इस तरह से पकड़ कर बिल्कुल अच्छे से एक पॉनीटेल बनाएंगे, सॉरी छोटी बनाएंगे। पॉनीटेल तो हम लोगों ने ऊपर वाले हिस्से पर बांध ली है, ऊपर वाले हेयर्स पर। लिटरली फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सच में। अगर हमारा दिल करता है कि हम लोग थोड़ा सा बैंग्स को कट करें और हम लोग नहीं कर पाते, इस तरह से हम लोग कर सकते। फ्रेंड्स, मैं इसको इस चोटी को आगे भी लेकर कर सकती थी, बांध सकती थी, बट नहीं बांध सकते बिकॉज की मोमेंट टेढ़ी हो जाती है। और इतने हेयर्स को हम लोग ने ऐसी खुला रखना है, इसको कॉम करना है अच्छे से, एंड देन यहाँ पर छोटा वाला रबर बैंड, इस तरह से हम लोग इधर रबर लगाएंगे अच्छे से, रबर को रबर से टाई कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं आगे करके बांध सकती थी बट नहीं बांध सकते। अभी हम लोग इसको ओपन करेंगे इस वाले हेयर को, हमारा जो ये वाला मिडल का है, मिडल हेयर है, इसको हम लोग ओपन करेंगे एंड इसको कॉम करेंगे। एंड ये वाली चोटी को हम लोग इस रबर बैंड को थोड़ा सा लूज करेंगे, वो लूज़ एक्चुअली हो ही जाता है। ये देखिए इस तरह से लूज़ करेंगे एंड यहाँ से हम लोगों को अपनी चोटी को निकालना है। जो चोटी हमने पीछे से की है इसको हम लोग आगे की तरफ निकालेंगे।
इस तरह से। एंड इसको टाइट कर देंगे। इसी स्ट्रेटनर की हेल्प से हम लोग अपने फ्रंट के हेयर को थोड़ा सा एक प्यारा सा लुक देने के लिए इस तरह से मशीन को पूरा स्ट्रेट नहीं चलाएंगे, बल्कि मशीन को बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं चलाना है फ्रेंड्स। यहाँ से हमको इस तरह से ऐसे रोल करना है। तो ये देखिए मेरा बस। तो फिर ये हो गया हमारा बैंग स्कर्ट। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम लोग उठा भी सकते हैं इसको, अपन इक्वल भी हम लोग हेयर को अपने छोटी कर सकते हैं या जो भी चाहिए हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कितना प्यारा लग रहा है, एक लुक ही चेंज हो गया मेरा। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा लुक कैसा लगा आप लोगों को, ये है कैसा लगा। देखिए पूरा लुक बिल्कुल चेंज सा हो गया ना। यहाँ पर मेरे जो हेयर्स आ रहे हैं ये इसलिए आ रहे हैं बिकॉज मैंने अपनी कटिंग, मेरी हेयर कटिंग लेयर कट है, सो इसलिए ये छोटे बड़े हैं, इसलिए ये ऐसा आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा। बट अगर आप लोगों के स्ट्रेट कटिंग होगी तो बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर इस तरह से बेबी पिन लगाकर सेट कर सकती हूँ इस तरह से ऐसे। और इसके ऊपर ये रबर बैंड भी नहीं दिखे, इसके लिए भी मैं कुछ भी बोर्ड वगैरह कुछ भी लगा सकती हूँ। बट देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना कि मुझे कैसा लग रहा है, मेरे ऊपर ये सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। हो गया ना लुक चेंज, पूरा लुक चेंज हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ बताना। एंड अगर ज़रा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर कर देना फ्रेंड्स अच्छा लग रहा होगा तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।